नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, UPPSC स्टाफ नर्स, UPSSC ANM, UPNHM ANM और पैरा मेडिकल पोस्ट के लिए जो भी भर्ती आती है उन सभी के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा। हर प्रश्न जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कैसे प्रश्न बनते हैं वह सब आप लोग को बता रहे हैं और यह रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहले प्रश्न में पूछ रहा है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है। तो गर्भाशय के लिए यूट्रस जो है वैकल्पिक शब्द है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या। दोस्तों, फोन आ जाता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होती है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता का इकाई क्या है। तो दोस्तों, जीन कहते हैं, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलते हैं। मस्तिष्क से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो मस्तिष्क से संबंधित कथनों पर विचार, दोस्तों देखिए यहाँ पर मस्तिष्क से रिलेटेड जो है सेरेब्रम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना, ये तो सही है। मेरुरज प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है तथा मस्तिष्क और मेरु तंत्रिकाओं के बीच सेतु का कार्य करती, ये भी सही है। दोस्तों, पहला आपका नहीं सही होगा, यह अग्र मस्तिष्क वाला भाग ये नहीं है। तो इसके 2 और 3 यह दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेतिक आंतरिक किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो आवश्यक होता है। तो यह सोडियम जो होता है दोस्तों बहुत ही आवश्यक होता है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो औसत मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है 1.36 किलोग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है, छठा है। तो दोस्तों, यह मेडुला ऑब्लॉन्गाटा जो होता है यही केंद्र होता है आपका। तीव्र रोग गलन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तीव्र रोग गलन MI में दर्द की दवा का विकल्प कौन सा है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है दोस्तों, मार्फिन सल्फेट जो होता है यही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यह दोस्तों अग्नाशय में पाए जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्वेश्चन 9वां है। तो दोस्तों, इसमें मस्तिष्क ही प्रभावित होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमाने के लिए काम करता है। तो विटामिन के जो होता है यही रक्त को जमाता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से रोग का कारण, इनमें से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं है, रोग के कारक का जीवाणु एड्स जो है दोस्तों यह नहीं है, बाकी आपका यह सब है, डिथीरिया, काली खांसी, हैजा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। शरीर में निम्न में से कौन से संक्रमण से हमारी रक्षा करती है, मतलब कौन हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करती है। तो वह है दोस्तों WBC जो होता है यही संक्रमण से रक्षा करती है, जिसको वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। मानव रक्त, क्वेश्चन नंबर 13वां है दोस्तों, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है। तो यह रक्त में प्रोटीन का कारण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14वां, केवल एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल है। तो दोस्तों, कौन सा एक को छोड़कर, यह प्लेसेंटा एक्रीटा जो होता है यही छोड़ दिया जाए, बाकी अस्थामी गर्भाशय, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्लेम्सिया जो है यह सब इसी में आते हैं गर्भावस्था स्थिति। प्रसव के दौरान आपात स्थिति में कौन सा HIV परीक्षण किया जाता है, यदि पहले ना हुआ हो तो कौन सा किया जाता है। दोस्तों, सिंगल रैपिड टेस्ट जिसको कहते हैं, SRT कहते हैं। प्रसव के दौरान नवजात को HIV के संचरण का खतरा पड़ जाता है, जिसका कारक हो सकता है। तो यह दोस्तों समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले बच्चे, मल्टीपल बर्थ में पहला बच्चा, अल्टर्ड त्वचा इंटीग्रेटेड जो होते हैं दोस्तों, ये सभी होंगे, ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रोनियोस का प्रभाव है। तो पॉलीहाइड्रोनियोस का प्रभाव क्या होता है, यह पहला ऑप्शन तो दोस्तों सही है, गर्भनाल को आगे बढ़ाना। देखते हैं और कौन कौन सा ऑप्शन सही है। माल प्रेजेंटेशन, ये भी सही है दोस्तों। प्रसव के बाद रक्तस्राव, ये भी सही, यानी सभी हो सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18वां है, गर्भावस्था के दौरान एड्स के गर्भाशय संचरण की निम्न परिस्थितियों में वृद्धि होती है, तो वह कौन कौन सी होती है दोस्तों? भ्रूण को ढकने वाली झिल्लियों की सूजन, कोरियोमनियोटिक्स, ये भी सही है, झिल्ली का सबसे लंबे समय से टूटना तथा प्रोलॉन्ग लेबर, ये भी सही है, कुसमयता और IUGR, ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रुधिर दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम आपको देखने को मिलेगा? तो दोस्तों कौन सा परिणाम देखने को मिलेगा अगर गलत रक्त चढ़ा दिया जाता है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है और उसको ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया गया, तो तिल्ली और लिम्फो नोड्स में विकृत आ जाती है दोस्तों। महिला को जब उल्टी दिन भर जारी रहती है तथा उसका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसे किस रूप से जाना जाता है? तो उसे हम जानते हैं हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 20वां का। 21वां पे चलते हैं, 21वां में पूछ रहा है दोस्तों, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है, RBC की बात हो रही, तो दोस्तों 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, 120 दिन होता है। जब गर्भ में थोड़ी खलबली है, आस बंद है, झिल्ली बरकरार है और गर्भ स्थित है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों थ्रीडंट गर्भपात कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 22वां का, थ्रीडंट गर्भपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं, 23 में पूछा, केवल एक को छोड़कर निम्न सभी तरीके का इस्तेमाल सिफेलो पेल्विक असमानता का निर्धारण करने के लिए करते हैं? तो 23वां का किसको छोड़कर, देखिए दोस्तों, चेसर मोर्स विधि, ये भी सही है, मुनरो केयर की विधि, ये भी सही है, बायां हाथ पकड़, ये भी सही है, लेटरल टटोलने का कार्य, यही नहीं सही, इसी को छोड़कर है दोस्तों, बाकी सब सही हैं। केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं, तो कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है। देखिए दोस्तों, गर्भावस्था के लक्षण लुप्त होना, ये भी सही है, गर्भावस्था गर्भाशय तरीकों के लिए छोटा होना, ये भी सही है, योनि से भरा स्राव, ये भी सही है, अल्ट्रासोनिक स्कैनर से भ्रूण की दिल का धड़कन सुनना, यही गलत है दोस्तों, बाकी और आपके सभी सही हैं, इसी को छोड़कर। झूठी व फैंटम गर्भावस्था यह होती है, तो कौन सी होती है? स्यूडोसाइसिस कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। भ्रूण की पहली मूवमेंट जिसे माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह के मध्य महसूस किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 26वां क्वेश्चन है, उसे क्विकनिंग कहते हैं, ऑप्शन ए होगा, बहुत बार पूछा गया है ये। प्रसव के दौरान वेनिलाल परीक्षण करते समय सूचर मतलब टांका प्रस्तुतिकरण तथा स्थिति निर्धारण करने के लिए प्रत्येक उपयोगी लैंडमार्क बनाता है, सैजिटल सूचर जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो सैजिटल सूचर जो होता है दोस्तों फ्रंटल अस्थि को आधा आधा करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्भनाल जो एम्ब्रियोटिक कनेक्टिव होगा दोस्तों, एम्ब्रियोटिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, उसे उसके ऊपर गैलेंटियस पदार्थ को उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हार्टन जेली कहते हैं, आपका ऑप्शन जो है पहला हो जाएगा। 29 पे चलते हैं, वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन की दर कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है। पेल्विक आउटलेट का सबसे बड़ा डायमीटर क्या होता है? तो पेल्विक आउटलेट का सबसे बड़ा डायमीटर जो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर, यही जो होता है यही सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31वां चलते हैं, इसमें पूछ रहा है दोस्तों, अस्थानिक गर्भावस्था की आम जगह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है दोस्तों ट्यूबल कहलाती है, एम्पुला कहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32वां है, मानव शरीर का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का पीएच 7.4 होता है। रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे आपको देखे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन जो होता है दोस्तों, देखिए पहले फुफ्फुस के द्वारा होता है, फिर उसके बाद रक्त के द्वारा होता है, फिर उसके बाद ऊतक के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। एक मरीज OPD में पहली बार पेट दर्द, एनोरिया व योनि से खून बहने की हिस्ट्री बताती है जिसका कारण निम्नलिखित हो सकता है, तो क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए गर्भपात भी हो सकता है, ये भी सही है, मोलर गर्भावस्था, ये भी सही है, और अस्थानिक गर्भावस्था, ये भी सही, यानी सभी सही है, इसमें से कोई भी हो सकता है। 35वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था में
मॉर्निंग सिकनेस का उपचार निम्नलिखित साधारण मेजरमेंट द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? नरम व सूखे भोजन जैसे सुबह में बिस्किट लें, यही होता है दोस्तों। 36वां क्वेश्चन है, 36 में पूछ रहा है आपका, बच्चे में कौन सा कारक वयस्क की तुलना में बच्चों को अधिक खतरा है जिससे बच्चों में ओटाइटिस मीडिया रोग हो जाता है? यह फ्लैट, व्यापक और यू स्टेचियन ट्यूब जो होता है, स्टेचियन ट्यूब जो होता है, इसके कारण जो है यही होने का चांस रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 37वां क्वेश्चन है, आप एक शिशु में जो इंटरसेप्शन से ग्रसित है क्या लक्षण पाए जाते हैं? तो इंटरसेप्शन से जो ग्रसित है उसमें कौन से लक्षण आप देख सकते हैं? तो वह होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, गंभीर कालिकी पेट दर्द व दाईं तरफ ऊपरी वृत्त के चतुर्थ भाग में मांस जैसा आकार होता है, यही लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 38 चलते हैं, सबसे अधिक पहचाना वायरल रोगजनक जिससे दस्त होता है तो वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है यह रोटा वायरस। एक बच्चा जिसे सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ भौंकने वाली खांसी है क्या वह लक्षण प्रदर्शित करता है? तो वह लक्षण जो प्रदर्शित करेगा दोस्तों, वह लक्षण होता है दोस्तों क्रुप कहते हैं उसको, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं, 40, किस आकलन की खोज से पता चलता है कि नवजात में स्पाइना बाइफिडा आकलाटा मौजूद है? तो किससे पता चलता है दोस्तों, यह हो जाएगा आपका नितंबों की जुदाई पर नोटिफिसिएबल डिम्पलिंग जो होता है, नितंबों की जुदाई पर ऊपर नोटिफिसिएबल डिम्पलिंग पाए जाते हैं, यही होगा नवजात में स्पाइनल बाइफिडा का आकलाटा जो होता है। कौन से पोषक तत्वों में से न्यूरल ट्यूब दोषों की घटना को कम किया जा सकता है? तो किससे कम किया जा सकता है दोस्तों, पोषक ये जो होते हैं फोलिक एसिड जो होते हैं उसी से कम किया जाता है। किस निष्कर्ष से पता चलता है कि बच्चे के मूत्र मार्ग में संक्रमण होने की सबसे अधिक संभावना है? तो वह शौचालय प्रशिक्षित है लेकिन एन्यूरेसिस अनुभव होता है उसको, वो शौचालय से प्रशिक्षित है लेकिन उसे एन्यूरेसिस जो है अनुभव हो रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाए सी। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह मुख गुहा से ही प्रारंभ होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक भरपूर से ग्रसित बच्चों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, तो कौन सा होगा दोस्तों? काले रंग का मूत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, एक बच्चों में सैलो श्वास के साथ 5 सेकेंड का एपनिया है, इसके लिए एक नर्स को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? तो उसको जो है दोस्तों नियमित निगरानी जारी रखें अगर ऐसा दिखाई दे रहा है। फिजियोलॉजिकल शारीरिक इंटरेक्ट्स पीलिया आमतौर पर जन्म के किस दिन बाद प्रकट व ख़त्म हो जाते हैं? देखिए दोस्तों ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, 3 दिन में जो है दिखाई देता है और 7 दिन में वह ख़त्म हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों 47वां है, 47वें में पूछ रहा है कि प्रसव के दौरान अक्सर बच्चे की कौन सी हड्डी टूटती है? तो दोस्तों प्रगंडी का जो ह्यूमरस होती है यही टूटने का डर रहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 47वां का। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं, बच्चा किस उम्र में सुपरिचित ढंग से मुस्कुराता है? तो 4 महीने बाद जो है मुस्कुराने लगता है, 4 महीने। HIV द्वारा होने वाला रोग दोस्तों कौन सा है? तो एड्स होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, विटामिन ए की बूंदें 6 से 9 खुराकें बच्चों के मुंह से दी जाती हैं, यह 1 लाख आयु की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? तो यह दोस्तों 9 महीने में दिया जाता है, 9वें महीने में 1 लाख की खुराक जो दी जाती है, 1 लाख आयु की यह यूनिट होती है दोस्तों, यह विटामिन ए की होती है। निम्न में से एक स्थूल पोषक तत्व नहीं है, 51वां क्वेश्चन, तो कौन सा दोस्तों? विटामिन ए जो विटामिन होता है यह स्थूल पोषक तत्व नहीं, बाकी आपका यह सब है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से एक ऊर्जा उपज भोजन नहीं है, 52वां, तो विटामिन और खनिज जो है नहीं है, बाकी ये वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये आपका है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है तो वह कौन सा है दोस्तों? यह जिगर बोलते हैं, लीवर की बात हो रही है। जनसांख्यिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसांख्यिकी के अध्ययन को जो है दोस्तों फर्टिलिटी भी कहते हैं, मृत्यु भी कहते हैं, सामाजिकता रूपता का भी कहते हैं, ये सभी हो जाएंगे। विटामिन का उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन का उच्चतम स्रोत जो होता है
यह पपीता होता है, बहुत बढ़िया विटामिन इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। उच्चतम स्रोत की बात हो रही और बाकी सब में तो पाए ही जाते हैं। आईयूडी लगी महिलाओं में सबसे दुष्प्रभाव यह होता है, तो आईयूडी लगी महिलाओं में सबसे दुष्प्रभाव जो होता है योनि से खून में बढ़ाव जो होता है दोस्तों। नवजात शिशु में ज़्यादातर टेटनेस कब प्रकट होते हैं, तो यह जो है दोस्तों सातवें दिन प्रकट होते हैं टेटनेस। निम्न में से कौन सा हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, तो हड्डी तोड़ बुखार जो होता है दोस्तों डेंगू को कहते हैं। डेंगू में बहुत तगड़ा बुखार चढ़ता ही है, जानते ही होंगे आप लोग। 59वां क्वेश्चन है दोस्तों, महामारी में सबसे पहली बीमारी बीमार व्यक्ति को क्या कहते हैं, सबसे पहले बीमार व्यक्ति को क्या कहते हैं, 59वां क्वेश्चन है, तो इंडेक्स मामला कहते हैं सबसे पहले जो बीमार होता है। कॉपर टीम निम्न परिस्थिति में नहीं लगाते हैं, किस परिस्थिति में दोस्तों नहीं लगाया जाता है, जब गर्भावस्था हो तब नहीं लगाते हैं, श्रोणि संक्रमण हो तब नहीं लगाते हैं, हृदय रोग हो तब नहीं, यानी ये सभी में जो है कॉपर टी नहीं लगाया जाता है दोस्तों। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का सबसे सामान्य कारण क्या होता है, तो सबसे सामान्य कारण डायरिया होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। पानी की अस्थायी कठोरता को किस तरह से हटाया जा सकता है, तो यह उबालकर हटा सकते हैं, पानी को उबालकर पीना चाहिए। मानव में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है, यह कहलाता है दोस्तों पाइलोरस कहलाता है। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो मुख से निकली लार जो होती है दोस्तों वह स्टार्च का पाचन करती है, मड का पाचन करती है। आमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं होती हैं, यह होती हैं मुख्य कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न सभी उन्माद के बारे में सत्य है एक को छोड़कर, उन्माद जो होता है दोस्तों क्या होता है, यह देखिए दोस्तों भय का भ्रम इसको बोलते हैं, प्रसन्न मनोति विचलित होना, ये सब जो है आपका बाकी एनहिडोनिया यही आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, बंद जगह में डर लगने को क्या कहते हैं, तो बंद जगह में डर लगने को क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित शारीरिक लक्षणों में से कौन सा लक्षण पैनिक अटैक इंगित करता है, तो पैनिक अटैक इंगित जो होता है दोस्तों हार्ट घबराहट, पसीना आना, हाइपर वेंटिलेशन, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। मानसिक रूप से बीमार रोगी के अधिकार का विधेयक शामिल है, तो वह कौन सा शामिल है दोस्तों, ये देखिए व्यक्तिगत रूप से लिखा उपचार योजना का अधिकार, ये भी सही है। सेवाओं की योजना बनाने में चल रही भागीदारी का अधिकार, ये भी सही है। एक मानवीय व्यवहार पर्यावरण का अधिकार, ये भी सही, यानी आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, 70वां क्वेश्चन है दोस्तों, 70 में पूछ रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान रहता है, तो यह मक्खन में जो है दोस्तों रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो कौन सा नहीं दोस्तों, आयोडीन आपका ये नहीं है, बल्कि यह सब जो है बहुत ही जो है काम के हैं दोस्तों, कैल्शियम फ्लोरिन और फॉस्फोरस, लेकिन आपका आयोडीन यही आपका ऑप्शन डी वाला नहीं है। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका को रंग प्रदान करता है, यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो दोस्तों यह पराबैंगनी विकिरणों से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है दोस्तों, कैल्शियम और पोटेशियम जो होता है यही मतलब सम्मिलित है, अन्य तत्वों से भरपूर जो है दोस्तों यह। जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, तो नाक से जो जल विसर्जन होता है दोस्तों वो क्या होता है, वह अश्रुकारी ग्रंथ से ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो मानवों में दोस्तों कौन सा नहीं है दोस्तों, ओवरी नहीं होता है मनुष्य पुरुष में, अंडकोश शुक्रवाहिका वृषण ये सब होते हैं, लेकिन अंडाशय नहीं होता, अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा न्यूरोटिक रोग नहीं है, न्यूरोटिक डिजीज दोस्तों कौन सा नहीं है, 76वां क्वेश्चन, तो देखिए फोबिया जो है ये न्यूरोटिक है, ओसीडी ये भी है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस ये भी सही, लेकिन मेनिक डिप्रेसिव जो होता है यही आपका जो है न्यूरोटिक डिजीज नहीं है। गृह भेंट हेतु ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों, गृह भेंट हेतु जाते समय नर्स को किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो गृह भेंट के लिए देखिए व्यक्तिगत कार्ड ये भी सही है, स्वास्थ्य शिक्षण सामग्री ये भी सही है, परिवार फोल्डर ये भी सही है, यानी आपके ये सभी हो जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, इसको रट लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पोषक कैलोरी ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो वह होती है 1 लीटर पानी
के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है। दोस्तों आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। विटामिन डी की कमी से जीवन के प्रारंभिक काल में हो सकता है, तो क्या होता है दोस्तों, विटामिन डी की कमी के कारण दांतों का कुनिर्माण जो होता है दोस्तों यही हो सकता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग भी होता है दोस्तों, यह सब बहुत ध्यान रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।